हमारा चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हम आपको लेकर आए हैं कोबरेश्वर धाम। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मुरली मनोहर गौशाला है वो कितनी सुंदर है, कितनी विशाल है, कितनी प्यारे तरीके से उसको सजाया गया है। गौ माता उसमें निवास है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया कर गौ को बाहर न छोड़ें, गौ के लिए दाना दें, अन्न दें और गौ की रक्षा करें। गौ रक्षा ही हमारा धर्म है। हम आपको बताएँगे अंदर जाके कि किस तरीके की है पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की गौशाला। देखिए बड़ी ही सुंदर गौशाला है, बड़ा ही सुंदर इस गौशाला का नज़ारा है। आप उसे देख सकते हैं कितने बड़े सुंदर विशाल तरीके से यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर गौ माता हैं। देखिए इनके कंठी बंधी हुई है, देखिए बहुत सुंदर ये नज़ारा है प्रदीप जी मिश्रा जी की गौशाला का। देखिए बड़ी ही सुंदर गौशाला आपको मैं बताना चाहूँगा। लोग यहाँ आते हैं, आस्था का विषय है। देखिए लोग, बड़ी ही सुंदर गौशाला है, आप देख सकते हैं इसको। कितनी गौ यहाँ पर निवासरत हैं, सभी बड़ी सुंदर गौशाला है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कोबरेश्वर धाम में इस समय गौशाला का सीन। बहुत ही विशाल गौशाला है, यहाँ पर बड़ी संख्या में गौ माता निवासरत हैं। यहाँ लोग आते हैं, देखिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर दर्शन करती हुई गौशाला के। पात्र आप देख सकते हैं, गौ माता के लिए आप जो भी दान देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और आप भी गौ धर्म से जुड़कर गौ रक्षा और गौधान गौदान यहाँ पर आके कर सकते हैं।